हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी की इंग्लिश की लेसन टारोज रिवॉर्ड्स। ये जो स्टोरी है वो थॉटफुल और लविंग सन के बारे में है, जो अपने पेरेंट्स की विशेष को फुलफिल करने में लग जाता है और एक दिन उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाती है। टारोज रिवॉर्ड्स देखते हैं। अ यंग वुड कटर्स नेम अ टारो लिव विद हिज मदर्स फादर्स ऑन लोनली हिल साइड्स। एक यंग वुड कटर होता है टारो, उसका नाम टारो होता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ अकेला हिल साइड्स पे रहता है। ऑल डे ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरे दिन वो फॉरेस्ट के अंदर वुड काटता रहता है। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी, वो इतना मेहनत करता है फिर भी उसे सिर्फ थोड़े पैसे ही मिलते हैं। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। उसे ये चीज़ें बहुत ही गंदी लगती है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को हर वो चीज़ें देना चाहता हूँ जो वो सोचते हैं। One evening, when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, a strong wind began to blow. जब तारो अपने माँ बाप के साथ अपने घर के कोने में जब बैठा होता है बाहर की साइड घर के, तो एक बहुत ही अच्छी हवा ब्लो होनी शुरू हो जाती है। It whistled through the crack of the hut and everyone felt very cold. वो हवा जो चलती है उसकी वजह से बहुत ठंडी फील होती है। Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of shake." तारो के पापा बोलते हैं, काश मुझे एक शेक का मतलब होता है कि जापानीज जो पॉपुलर ड्रिंक है उसके बारे में बात कर रहा है कि मुझे काश यहाँ पे एक कप ऑफ शेक मिल जाए। इट वुड वार्म मी एंड डू माय ओल्ड हार्ट गुड। मेरा जो दिल है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, मुझे वार्मनेस फील हो जाएगी, मुझे अच्छा फील होगा। दिस मेड तारो सैडर देन इवन। तारो ये सुन के और ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो इतना भी नहीं कर सकता। फॉर हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल द शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और वो जो शेक करके ड्रिंक आता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो अपने आप से बोलता है कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट द लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे वो शेक लाऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वो डिसाइड करता है कि मैं पहले से ज़्यादा मतलब हार्डवर्क करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जंप आउट टू द बेड अर्ली देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तारो रोज़ उठता है उससे थोड़ा जल्दी उठ गया और वो फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा आज बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए। ही चॉप्ड एंड कट एज अ सन क्लाइम, वो काटता रहा, सन ऊपर चढ़ गया, दोपहर हो गई, फिर भी काटता रहा। एंड सून ही वो सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। काटते उसको इतना गर्म फील हो रहा था कि उसने अपना जैकेट निकाल दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद द स्वेट। उसकी जो पूरी माउथ थी वो बिना पानी के एकदम ड्राई हो चुकी थी और उसका फेस पूरा स्वेट से गीला हो चुका था। ही थॉट माई ओल्ड पुअर फादर, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश मैं जितनी गर्मी फील कर रहा हूँ वैसे मेरे पापा भी ऐसा फील कर पाए। वो अपने पापा के बारे में ही सोच रहा है ऐसी सिचुएशन में। एंड विद डैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और वो ऐसा सोचते और ज़्यादा जोर से काटना शुरू हो जाता है और जल्दी काटना शुरू हो जाता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही वुड मस्ट अर्न टू बाय अ शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ताकि वो ज़्यादा लकड़े काटेगा तो ज़्यादा बेचेगा, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो वो अपने पापा के लिए शेक बाय कर पाए। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, वॉट वॉज दैट साउंड। तारो सडनली पेड़ को काटना थोड़ा ऐसे स्टॉप कर देता है और वो बोलता है, ये आवाज़ किस चीज़ की है। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या ये पानी की आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग रशिंग स्ट्रीम इन दिन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने कभी भी ऐसे झरने की आवाज़ या फिर बहते हुए पानी की आवाज़ नहीं सुनी थी यहाँ पे वो एरिया में। ही वॉज थर्स्टी, उसको वैसे भी प्यास लगी थी। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने अपने हाथ में से कुल्हाड़ी नीचे रख दी और वो आवाज़ की डायरेक्शन में निकल पड़ा। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। तारो ने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत अच्छा वाटरफॉल रॉक के पीछे से जा रहा है। नीलिंग एट दन प्लेस वेर द वाटर फ्लो क्वाइटली और ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड एंड पुट इट इन हिज लिप्स। उसने थोड़ा बाउल ले लिया, उसमें पानी भर लिया, थोड़े उसके लिप्स पे छाट लिए। वॉज इट अ वाटर, उसने पहले टेस्ट कर लिया। और वॉज इट अ शेक, ये शेक है कि पानी है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलिशियस शेक इंस्टेड ऑफ अ कोल्ड वाटर। उसको शेक टेस्ट लग रहा था इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, उसको नहीं लग रहा था कि पानी है, उसको लगा उसकी जो जापानीज एक्सपेंसिव ड्रिंक है वो ये है। तारो क्विकली फिल द पिक्चर, पिक्चर मतलब जहाँ पे यूजुअली जो मर्ड का जो पूरा ऐसा बोतल जैसा भरा होता है वो उसने भर दिया जल्दी जल्दी और वो घर की तरफ निकल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, ओल्ड मैन को जब शेक देखा तो वो बहुत ही खुश हो गया। After only one swallow of the liquid, he stopped and shivering and did a little dance in the middle of the floor. उन्होंने एक शिप लिया और वो ऐसे शिवर करना स्टॉप हो गए और वो बीच में आके ऐसे डांस करने लगे खुशी से।
दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाई अ विजिट. आफ्टरनून में उनके जो नेबर थे ये इससे थोड़ा ऐसे स्टॉप हो गए. तारो फादर्स पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ अ शेक, क्योंकि उन्होंने अपने नेबर को, तारो के फादर ने उनको शेक ऑफर किया था, तो वो ऐसे स्टॉप हो गई कि यार इन लोग के पास इतने पैसे कहाँ से आए. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, और जो लेडी थी नेबर की वो थोड़ी लालचू थी तो उन्होंने पी भी लिया, एंड उन्होंने ओल्ड मैन को थैंक यू बोल दिया. देन द तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर उन्होंने उसको वो मैजिक फॉल के बारे में स्टोरी बताई. शी लेफ्ट इन देन हरी, वो जल्दी फटाफट वहाँ पे वो जो जगह का जिक्र किया था वो वहाँ पे भागी उसको लेने के लिए. बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और पूरी विलेज को ये स्टोरी पहुँचा दी. देन इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ द विजिटर टू वुडर कटर हाउस, और पूरी लंबी रात तक तो पूरी लाइन हो गई सब विजिटर्स की वुडर कटर के, जो वुड कटर थे उनके घर के बाहर. Each man heard the story of the waterfall and took a sheep of a shake. In the less than an hour, the picture was empty. सब एक एक शिप लेने के लिए आए थे और एक घंटे में तो पूरा पिक्चर खाली हो गया. Next morning, Taro started for the work even earlier than the morning before. Taro सुबह जल्दी उठा और उससे भी थोड़ा जल्दी उठ के वो काम पर चला गया. He hurried with him a largest picture and he honed and for his intended first of all to go to the waterfall. पहले उसने सोचा कि मैं एक बड़ा पिक्चर ले लेता हूँ और फिर मैं सबसे पहले जाऊँगा वाटरफॉल के पास. When he reached it, he found to the great surprise all his neighbors that. उसने देखा कि वहाँ पे उनके सारे नेबर्स ऑलरेडी वही थे. They were carrying a pitcher, jar, bucket, सबके सब पिक्चर जार बकेट सब लेके आए थे. Anything they could find to hold the magic shape. Then one villager knelt and held his mouth under the water trying to drink. He drank again and again. Then shouted angrily, water, nothing but the water. उन्होंने बोला ये तो सिर्फ पानी है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है. Other also tried, दूसरे बंदे ने ट्राई किया, उसने बोला ये शेक नहीं है, ये तो ठंडा पानी है सिर्फ. In short, जो सबके सब ट्राई कर रहे थे उनको सिर्फ ठंडा पानी मिल रहा था except the Taro. We have been tricked, shouted the villager. विलेजर ने बोला ये हम लोग को उल्लू बना रहा है, तारो किधर है, let's just drown him in the waterfall. हम लोग ये उसको वाटरफॉल में डुबा के मारेंगे. But Taro had been wise enough to sleep behind the rock, और वो रॉक के पीछे छुप गया. He saw how the things were going. उन्होंने देखा कि कैसे सब लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं. He was nowhere to be found. सब लोगों ने उसको इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला. Muttering their anger and disappointment, और सबके सब बहुत ही disappointed थे, villagers वहाँ से चले गए one by one. Taro come out from his hiding place. Was it a true? He wondered. कि ये सच है? Was a shake a dream? मतलब ये जो shake था वो dream था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it in his lips. वापस एक drop लिया, उसे अपने lips पे रखा. It was the same fine shake. उसे बोला ये तो shake ही है. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only a cool water. Taro थोड़ा confused हो गया कि ये मुझे shake taste लग रहा है, बाकी सबको water, ऐसा कैसे? So वो थोड़ा thoughtful हो गया. The story of the Taro and his magic waterfalls reached the emperor of Japan. ये स्टोरी जापान के राजा तक पहुंची. He sent for the young wooden cutter and rewarded him with a 20 piece of gold for having been so good and kind. एक्चुअली यहाँ पे टारो जो है वो बहुत ही काइंड और नोबल इंसान था, इसलिए उसको वही ठंडा पानी शेक में बदल जा रहा था, और जो नॉर्मल थे अनकाइंड और ग्रीडी लोग थे उनके लिए वही शेक कन्वर्ट हो रहा था ठंडे पानी में. सो यहाँ पे मैजिकल थिंग्स से राजा को बहुत खुश हो जाता है और उसे 20 गोल्ड कॉइन्स दे देते हैं उसकी गोल्ड गुड और काइंडनेस के लिए. Then he named the most beautiful fountain in his cities after Taro. और फिर वो waterfall का नाम ही Taro रख देते हैं उसको tribute देने के लिए. This said that emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents. उसके बाद emperor सब बच्चों को encourage करता है कि वो थोड़े honorable रहे और हमेशा अपने मम्मी पापा का कहना माने. Thank you so much. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. Thank you.